कोटा में पेट्रोल पंप के सेल्समैन ने अपने ही मालिक को 14 लाख रुपए का चूना लगा दिया। पेट्रोल पंप पर डीजल बेचकर सेल्समैन पैसा लेकर भाग निकला। जब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया तो पता चला कि आरोपी ने अपने ऊपर हुई उधारी चुकाने के लिए 14 लाख रुपए लेकर फरार हुआ। पुलिस ने आरोपी बनवारी के कब्जे से 13,95,000 रुपए की रकम बरामद कर ली है। आरोपी बनवारी कोटा के केशवपुरा इलाके का रहने वाला है, जो बीते 20 साल से एरोड्रम सर्किल के पास पेट्रोल पंप पर काम करता था। आरोपी का पिता भी पेट्रोल पंप पर ही बरसों से काम करता था। ऐसे में पेट्रोल पंप मालिक को बनवारी के ऊपर पूरा भरोसा था, लेकिन उसने अपने ऊपर हुई उधारी को चुकाने के लिए मालिक का विश्वास तोड़ा और 13,95,000 रुपए लेकर रफू चक्कर हो गया। बीती 7, 8 और 9 जून को पेट्रोल पंप पर हुए डीजल बिक्री की रकम को आरोपी ने ना तो पेट्रोल पंप की तिजोरी में रखा और ना ही बैंक में जमा कराया। 8 और 9 जून को बैंक की छुट्टी होने के कारण मालिक ने भी रकम के बारे में पता नहीं किया, लेकिन बाद में पता चला कि आरोपी पैसा लेकर फरार हो गया। शहर की विज्ञान नगर थाना पुलिस ने आरोपी का पता लगाया और उसे गिरफ्तार करने के साथ पूरा केस भी बरामद किया। घर बने मटन चिकन कोरमा में वो रेस्टोरेंट जैसा स्वाद है लाना, तो सैलानी मसाले उद्योग के रौनक ब्रांड का मटन चिकन कोरमा मसाला ही लाना। या कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें कोटाखबर.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।